हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैंने ये कैनवास लिया है जिसको मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है। मैंने इसको वाइट कलर से पेंट कर दिया है ऑलरेडी। और यहाँ पे हमने लिया है सॉल्ट, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं सॉल्ट से पेंटिंग। और इसके अंदर हम कलर डाल के सॉल्ट में, और उसके बाद हम इससे बनाने वाले हैं आज पेंटिंग। तो आप आगे आगे देखिए कि हम क्या बना रहे हैं और कैसा बनता है। सो गाइज, यहाँ पे हमने ले लिया है एक्रेलिक कलर, ब्राउन कलर, और उसमें हमने थोड़ा सा वाइट मिक्स किया था ताकि उसका टेक्सचर जो है वो थोड़ा और सही हो जाए। तो इसके दो कलर्स को हमने मिक्स करके ये वाला हमने सैंड का कलर बनाया है, और उसको हमने हमारी जो नाइफ़ है उसके थ्रू हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है कैनवस पे। और कहीं कहीं से हट रहा था तो मुझे फिंगर्स का यूज़ करना पड़ रहा था उसको सही करने के लिए। It's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. और अब गाइज, यहाँ पे हमने ले लिया है एक्रेलिक ब्लू कलर, और इसमें हम वाइट मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा, मतलब जो कलर हमें बीच का चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम उसमें वाइट मिक्स करेंगे। और ये है आप सबके लिए, दिल मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। और इसके बाद हमने इसको पूरी अच्छी तरह से ब्लू पेंट कर देना है। यहाँ पे हम जो ऊपर वाली साइड रखेंगे हम नॉर्मली ब्लू करेंगे, जो नॉर्मल कलर हमने लिया हुआ है। और आगे जैसे हम जो फ्रंट साइड आएंगे, जो सैंड के पास वाली साइड है, वहाँ पे जो ब्लू होगा वो हम थोड़ा लाइटर कर देंगे, बिकॉज़ वहाँ पे ज़्यादा वेव्स होंगी है वेव्स बनाने के लिए। तो अभी आप देखना वेव्स कितनी ही सुंदर बनेंगी, जो बीच का व्यू है कितना ही प्यारा बनेगा। तो अभी हमने वाइट कलर और सॉल्ट को है अच्छे से मिक्स कर लेना है, और प्यारा सा टेक्सचर दे के उसको रेडी करना है। Smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. और गाइज, यहाँ पे अगर मैं कुछ करूँ और कुछ थोड़ा सा इधर उधर ना हो जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे सैंड पे थोड़ा सा वाइट कलर हमारा आ गया था, बट ठीक है, हम इसे बाद में सही कर लेंगे, बिकॉज हमें बाद में इसको और डार्कर टोन करना है ऊपर से हर थोड़ी थोड़ी जगह पे, तो वहाँ पे बाद में सही हो जाएगा। तो उससे हमें कोई टेंशन नहीं थी, इसलिए हम डायरेक्ट वेव्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सो गाइज, यहाँ पे हमारा जो वेव्स है वो पूरी अच्छी तरह से बन चुकी है, कंप्लीट हो गया। और आप देख सकते हैं कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और यहाँ पे हमने जो ब्राउन कलर जो हमने मिक्स किया था वाइट के साथ, वो हमने ब्राउन नॉर्मली ले लिया है थोड़ा सा ऊपर से डार्कर टोन डालने के लिए कहीं कहीं पे, ताकि वो एक रॉयल सैंड जैसा लुक दे। सो गाइज, आप यहाँ पे इसका फाइनल आउटकम देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और आपको अच्छा लगे तो आप भी इसे बनाइएगा और कमेंट करिएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।